तो अभी स्कूल पे पहुंचे हैं और टीचर्स आ रहे हैं हमारे दिनेश भाई लोग। तो अभी चलते हैं मेले की तरफ को, बिकॉज आज बैठना है झूले में। अंकल आया कर दो एक बार, तो अंकल जी ने हमें एंट्री दे दी और अब गुड मॉर्निंग प्रणाम पहला मैं संतोष जी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बी एस सी पहाड़ी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ कि सब लोग चंगे दिखिए आगे भी बढ़िया रहना। तो आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग जो है बिजनौर से घर आ गए थे। तो कल दिनेश भाई से जो है बात हुई थी कि मतलब उत्तरायणी का आजकल लास्ट चल रहा है, मतलब लास्ट के 3-4 दिन ही बचे हैं, तो अब जाने में जो है फ़ायदा है उधर, क्योंकि अभी सामान भी सस्ता रहता है और चरखे में भी मतलब बैठेंगे। उस दिन आपने देखा होगा नहीं बैठे थे हम चरखे में, तो आज जो है जा रहे हैं और ज़्यादा आ रहे हैं फिलहाल तो हमारे दिनेश भाई हैं, बिकॉज उन्हीं से बात हुई कल रात। तो अभी जो है निकलते हैं हम यहाँ से दिनेश भाई के यहाँ, तो दिनेश भाई लोग जो भी आ रहे हैं सब मिलेंगे अभी। और आज मौसम जो है कुछ इस तरह का हो रहा है, मतलब धूप यहाँ डेली आई जाती ठीक 8:30 बजे के टाइम पे जो है धूप आई जाती है। और अभी दादी देखो क्या कर रही है, अम्मा हाय अभी बोल रहे हैं, मैंने हाथ मुँह नहीं धोया। और तो अभी चलते हैं हम भी। और यहाँ पे देखो भाई, मतलब यहाँ ये वाइट देख पा रहे होंगे आप, ये वाइट बर्फ है, मतलब बर्फ नहीं इसको बोलते हैं ओस का ही बर्फ वाला रूप है। देखो ये अभी पिघल जाएगा, देखो इसमें इतना सारा जमा है। और खेत में देखो वाइट दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, ये जो है सारा ओस है, मतलब तुषार बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। तो अभी निकलते हैं दिनेश भाई के यहाँ। अरे अबू, तो अभी निकलते हैं। हाँ आओ ना भैया, यार यहाँ अच्छा। तो बोल रहे हैं कि बागे से जा रहा है, मैंने बोला हाँ, तो बोल रहे मैंने बोला आओ, तो बोलती थी कल गए थे। और यहाँ पे देखो भाई इतना सारा वाइट हो रखा है, मतलब वो देखो वाइट बिल्कुल, ये सारा तुषार है। अच्छा ऐसे पड़ता है हमारे यहाँ तुषार, हाथ अगर कोई बाहर रह गया ना गलती से रात को गलती से कोई बाहर रह गया ना तो बिल्कुल अकड़ जाएगा, इस तरह से ठंड पड़ती है हमारे यहाँ, सूखी ठंड पड़ती है बिल्कुल। तो टाइम पे अगर इस टाइम पे अगर कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई ना तो बर्फ़ भी पड़ जाती है हमारे यहाँ, तो अभी तो नहीं पड़ी है बर्फ़। तो अभी चल रहे हैं हम। और हाँ तो दिनेश भाई भी गए नहीं है, हमारे दिनेश भाई रेडी हो रहे हैं। और तो अभी जो है जा रहे रोड की तरफ को, और दिनेश भाई बिल्कुल ठंड में, सब ठंड में काँपते हुए, बिकॉज यहाँ पे देखो मतलब वाइट आपको जितना भी दिख रहा है ना सारा ये तुषार है। तुषार यानी कि बर्फ़ का एक छोटा रूप होता है जो कि रात में पड़ता है, पाला बोलते हैं इसको। तो ये देखो सब सारा कुछ वाइट हो रखा है, और यहाँ भी धूप ही नहीं आई है, तो यहाँ धूप आएगा तब पिघलेगा वो। और ठंड भाई कुछ बोल नहीं सकते। तो अभी 2-4 लड़के और हो गए हमारे साथ, गोलू सज्जू और काफ़ी लोग हो गए। तो अभी सब लोग मिलते हैं रोड में, फिर सारा कुछ दिखाते हैं आपको, बिकॉज आज तो चरखे वगैरह मतलब सारा मजा करना है। तो गाइस अभी 1 से 1.5 घंटा जो है धूप सेक लिया काफ़ी मस्त करके, और अभी जो है हमारे भाई लोग कुछ हमारे साथ आ गए हैं, गाड़ी भी फुल हो चुकी है आई थिंक। तो अभी चलते हैं, गाड़ी में कौन कौन है, भाई हेलो। सो गाइस फाइनली जो है सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, और ये लोग जो है मुझे देखे थे और हॉर्न मार रहे थे, मैं वहाँ बिल्कुल मस्त नेचुरल में लग गया, लेकिन अभी जो है बैठ गए सब गाड़ी में। तो चलते हैं फटाफट बागेश्वर पहुँचते हैं, तो फिर मिलते हैं। सो गाइस फाइनली जो है पहुँच चुके हैं बागेश्वर में, एंड ये है यहाँ का कॉलेज ग्राउंड। और यहाँ पे हमें देखो ताऊ भी मिले हैं अभी, बस हाय हाय हाय। तो ताऊ यहाँ पे मिले हमें, और अभी देखो यहाँ पे मतलब कार पार्किंग मेले के दिन यहीं पे होती है, और हमने भी जो है दिनेश भाई ने यहाँ पे करी है गाड़ी खड़ी, और ताऊ जी ने वहाँ पे कर रखी है। तो अभी चलते हैं हम भी, बिकॉज दिनेश भाई मैं और अजय जो कि कल के ब्लॉग में देखा होगा आपने, अजय भी हमारे साथ है। और अभी जो है निकलते हैं यहाँ से, बिकॉज वहाँ से मस्त मजा ले रहा हूँ, ये बात कर रहा है किसी से। यहाँ पर देखो ये है हमारी सारी रिवर, और यहाँ पे आजकल मुंडन वगैरह चलते रहते हैं, तो देखो जने वगैरह इसी घाट पे होते हैं, मतलब घाट बोल सकते हैं एक तरह से इसको, तो यहीं पे होते हैं हमारे यहाँ का हर की पौड़ी बोल सकते हैं इसको एक तरह से। तो अभी चलते हैं अभी मेले की तरफ को, बिकॉज मेला तो मैंने आपको परसों दिखा दिया था, लेकिन आज जो है उसकी फुल इंजॉय करना है, चरखे में बैठना है, वो बैठना है, ये करना है, सारा कुछ करना है।
तो अभी स्कूल पे पहुंचे हैं और पीछे सारे हमारे दिनेश भाई लोग, तो अभी चलते हैं मेले की तरफ को, बिकॉज आज बैठना है झूले में और जो भी मतलब लगे ना जितने सारे, तो सब में बैठ के पूरा सारा कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को, तो सारा सीन दिखाऊंगा। तो अभी चल रहे हैं हम भोटिया मार्केट की तरफ को, यहाँ पे है, ये पहुँच चुके हैं हम भोटिया मार्केट, एंड यहाँ पे आप लोगों को जितने भी गर्म कपड़े होते हैं सारे गर्म तरह के कपड़े बिल्कुल अच्छे दामों पर मिल जाएंगे। ये नहीं बोल सकता कि मतलब सस्ते मिलेंगे, अच्छे दामों मिल जाएंगे, मतलब उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं, ये बोल सकता हूँ पूरा। तो ये देख पा रहे हैं मतलब बिल्कुल गर्म कपड़े मिलेंगे आपको। तो गाइस जैसे दिन बढ़ते रहेंगे, दिन पुराने होते रहेंगे और भीड़ और ज़्यादा होती रहेगी, क्योंकि आप लोग वहाँ पे देख पा रहे हैं, मतलब आप लोगों ने नहीं देखा होगा वहाँ पे 100 के 4, 100 के 4, 100 के 8, 100 के 8, 100 के 10, 100 के 10 इस तरह से मतलब माल लुटता रहता है। तो यहाँ पे मतलब जितने पुराने दिन होते रहेंगे ना उसी तरह से माल और सस्ता होता रहेगा, लोगों की भीड़ और बढ़ती रहेगी, तो इस तरह से यहाँ होता रहता है। मतलब अभी यहाँ पे परसों हम नाइट में आए थे, तो परसों नाइट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन आज जो है सुबह उतनी भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन अभी देखो अभी लोग आ रहे हैं, मतलब हमारी तरह जैसे हम एंट्री ले रहे हैं अभी उसी तरह से लोग भी जो है एंट्री ले रहे हैं। तो अभी देखना होते होते 10-11 बजे तक भीड़ इतनी हो जाएगी, वो सारा कुछ भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी जो है हमारे चांद लोग और सारे चरखे, तो परसों हम रात में नहीं बैठ पाए थे इसमें। तो गाइस फाइनली जो है सारे लोग मिल चुके हैं, सब एक बार हाई कर दो भाई लोग, तो सारे लोग जो है मिल चुके हैं और अब जा रहे हैं मेले की तरफ को, बिकॉज अभी जो दिनेश भाई लोग को ढूंढना बाकी है, तो वो तो मिल जाएंगे हमें पता है। तो अभी हम भाई लोग जो है सारे, तो अब घूमते हैं हम आराम से, आप लोगों को सारा कुछ दिखाते हैं जहाँ जहाँ जो जो मैं करूँगा जहाँ जहाँ जाएंगे। गाइस अभी भीड़ देख पा रहे होंगे, हमारे भाई लोग जो अनमनी गए सब। गाइस ये है सरयू बगड़, जो कि मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पे जो है ना कॉपीराइट सॉन्ग चल रहा है, उस वजह से जो है अभी मेरी क्लियर आवाज़ आ रही होगी, वैसे तो मैंने माइक लगा रखा है, तो दिन का व्यू कुछ इस तरह से, और अभी चरखे में बैठने की बारी। तो ये बोट काफ़ी तगड़ा लगता है वैसे, वो देखो अकेले बैठे भाई इसमें, वो देख अकेले बैठे हो, देख उधर अकेले बैठी हो। कैसे बैठा रहे हैं चरखे में, कैश के अंदर नहीं आने के बेटे, अरे दो ही ना, दो है गुन्ना हम तो, उसको भी लेने देना, हम दो हैं। तो अंकल आए कर दो एक बार, तो अंकल जी ने हमें एंट्री दे दी, और अब फोटो अभी जो है बागनाथ जी के दरबार में, और यहाँ पे आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, ये पता नहीं डेली चलता है, आज ही है,
ऐसे तो नहीं, लेकिन आज है मुझे इतना पता है। मैं भी मतलब पहली बार आ रहा हूँ ऐसे, तो आज मुझे भी पता है कि आज भंडारा हो रहा है। तो अभी जो है यहाँ पे बहुत भीड़, यहाँ पे भीड़ बहुत है, मतलब और दिनों के मुकाबले आज जो है बहुत भीड़ है। और सामने की तरफ से बाबा भागनाथ जी के दर्शन है ना, मैं नहीं जानते हो आप? हाँ, मैंने एक क्लास पढ़ा उधर, तो हमारी मैम मिली आज हमें ब्लॉगिंग। तो गाइस देखो इस तरह से पत्तल बनने चाहिए, मतलब जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहते हैं, मतलब इनको एक बार यूज़ करने के बाद जो है फेंकेंगे तो कहीं पे प्रदूषण नहीं करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मतलब जो इन भाई लोगों ने जो है साबित कर दिया है कि मतलब हर काम पैसों में नहीं होता। तो ये हमारे कुछ भाई लोग हैं जो कि यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो धन्यवाद भैया आपका, सभी भाई लोगों का धन्यवाद आपका। तो गाइस अभी जो है भीड़ देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे चलते कुश्ती। अभी ये खेल रहे थे और सारे ग्लास गिराने हैं। यार मां मैं आज गिरा दी यार, एक भी नहीं गिरा, 100 रुपए ऐसे गए। तो ये हमारे भाई लोग, तो रोहित भाई नए जुड़े इसमें, हाय रोहित भाई, हेलो। तो हमारे रोहित भाई नए जुड़े इसमें, और अभी फ़ोटो खींचने के लिए बोल रहे हैं, बगल में फ़ोटो खींचते हैं सबसे पहले। एंड तो अभी फिर से जो है जा रहे हैं भागनाथ मंदिर की तरफ को, और हमारे आगे से हमारे भाई लोग जा रहे हैं। गाइस अभी जो है वहाँ से नुमाइश कैसे जो है ऊपर को आ रखे हैं, तो यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, दो तीन जने बैठे हैं, और सभी भाई लोगों ने एक एक पिपरी ले रखी है इस तरह से उत्तरायणी की निशानी, बजा रहे हैं। अरे देखो, तो अभी यहाँ पे जो है दिनेश भाई लोगों का वेट कर रहे हैं, बिकॉज वो बोल रहे हैं कि 4-5 बजे आएंगे, 5-6 बजे जाएंगे घर, तो आराम चलता है घर को भी। और अभी शाम का मौसम बिल्कुल, और हेलीकॉप्टर कहाँ गया रे आजकल, दिख रहा हो? हेलीकॉप्टर उड़ गया, उड़ गया, कहाँ उड़ा है? ना यार रोला, मैं शॉपिंग करूँ यहाँ, अब मैं हेलीकॉप्टर में बैठ जाने शॉपिंग यहाँ पर आना होने भी। अरे तो हेलीकॉप्टर में बैठने वाले जितने थे सब हेलीकॉप्टर में बैठ रहे, बोल रहे कि शॉपिंग क्यों कर रही है, ऐसा सीन है। और अभी जा रहे थोड़ा भोटिया मार्केट के, तो भाई लोगों को थोड़ा कपड़े देने, 100 के 9 जोड़े यानी कि 3 पीस। गाइस फाइनली जो है पूरा मेला घूम के अभी पहुंच चुके हैं कॉलेज ग्राउंड पे, वहीं पे जहां पे सुबह उतरे थे ताऊ की गाड़ी और दिनेश की गाड़ी। और हमारे सभी भाई लोग, आंटी लोग, अम्मा लोग जो है यहां पे बैठे हैं, और हमारे साथ एक नए मेंबर और जुड़े हैं आज, रोहित भाई। तो अभी जो है कुछ और आने हैं, गोलू वगैरह छोटे छोटे रह रहे हैं, मतलब मंजू वगैरह लोग रह रहे हैं पीछे, तो उन सबको देखें अभी। ताऊ लोग बिल्कुल ताऊ लोग देखें अभी, तो मंजू और सुनीता गोलू खो गए हैं सब, पता नहीं कहाँ चले गए, फ़ोन करके बुला रहे हैं उनको, पता नहीं कहाँ चले गए। तो अभी यहाँ से कुछ इस तरह से, और हाँ फाटक वगैरह खुले हैं। तो गाइस अभी जो है बुबू लोग भी आ गए जिनका की वेट कर रहे थे, और अब जो है चलने की बारी, एंड सनसेट भी हो चुका है, घाम भी चले गया है, और अब जो है ठंड होने लग गई है, क्योंकि अंदर से सुबह वाले कपड़े यही पहने हैं। और दिनेश भाई हमारे कर रहे हैं बात, किसी को बुला रहे थे, तो चलते हैं। दिनेश भाई की धन्नू भी रेडी है जाने को, और लोग जो है एक एक करके जाने लग गए हैं, अब मतलब गाड़ियाँ जाने लग गई हैं, क्योंकि शाम का टाइम है, तो अब सब लोग घर को जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब रात को घूमने आते हैं, मतलब जैसे कि हम लोग आए थे, कुछ लोग नहीं मतलब लगभग काफ़ी लोग होते हैं, तो वो लोग जो है आ रहे हैं घूमने को, तो अब हम लोग भी जो है चलते हैं घर को सब। तो गाइस अभी जो है हमारे सारे भाई लोग जो है पहुँचने वाले घर, और कौन उतराने से क्या लाया भाई, कोई कुछ लाया? और बता तूने क्या लिया? ये देखो गाइस, एक ये चीटिंग मारने वाला पेन ले रखा है, शक्ल देख लो इसकी, जो मेरे टीचर देख रहे हैं ना, तो पकड़ लेना सबसे पहले इसी को, पकड़ना चीटिंग फिर बाद में पकड़ना और बंदों को। तो अभी भाई लोग दिनेश भाई बिल्कुल अपने काम पे लगे हैं आराम से, और आगे से हमारे लोग बैठे हैं, और हमारे बूबू, ओ हाय हमारे बूबू, और बाकी और पीछे तो बिल्कुल बकरी का कोट हो रखा है, क्या ही दिखाऊं पीछे, मतलब पहचान में भी नहीं आएंगे लोग, तो अभी चलते हैं फटाफट। तो फाइनली गाइस अभी जो है घर पहुंच चुके थे, एंड अभी जो है आ रहे हैं डिग्री ऑफिस।
दगड़ी ऑफिशियल की। हाँ, और जो है उन्होंने मंगाया था कुछ सामान, ये है छत में लगाने वाला कुछ, तो अभी जो है इनका सामान देते हैं और यहीं पे वीडियो अपलोड करते हैं, बिकॉज यहीं पे नेट चलता है, वाईफाई लगा रखा है यहाँ पे। तो ताऊजी हाय, अभी चलते हैं हम भी इस वीडियो को एंड करते हैं, बिकॉज वीडियो लंबी ना हो जाए। अभी आपने पहले देखा होगा, मतलब वो माइक में आवाज नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या इशू हो गया था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।